विवादों में फंसी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को बड़ा झटका लगा है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने पूजा खेड़कर की अस्थाई उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इसके अलावा खेड़कर पर भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर को यूपीएससी ने नौकरी से हटा दिया है। फिलहाल वह प्रोबेशन पर थीं, लेकिन स्थायी नियुक्ति से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया। विवादों में गिरी पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाई थी। पूजा खेड़कर ने 2022 की यूपीएससी परीक्षा पास की थी और उन्हें फिलहाल महाराष्ट्र में ट्रेनी आईएएस के तौर पर तैनात किया गया था। अपनी पहली ही पोस्टिंग में उन्हें अजीबोगरीब डिमांड रखना शुरू कर दिया। इस पर विवाद बढ़ा तो उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया। यही नहीं, बाद में सामने आया कि उन्होंने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर वाले आरक्षण को हासिल करने के लिए गलत डॉक्यूमेंट पेश किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने माता पिता का नाम भी बदल डाला था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ओबीसी आरक्षण का लाभ मिले और यूपीएससी परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका मिले। इस मामले ने तूल पकड़ा तो यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इसके अलावा पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था। इसके अलावा उन्हें पहचान छिपाकर परीक्षा में बैठने का मौका पाने का दोषी पाया गया। नोटिस का जवाब देने के लिए पूजा खेड़कर को 25 जुलाई तक का वक्त मिला था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक का समय मांग लिया था। उनका कहना था कि इस दौरान मैं जरूरी दस्तावेज जुटा लूंगी। पूजा की अपील पर यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई को दोपहर 3:30 तक जवाब देने का वक्त दिया था। इस टाइम तक जवाब नहीं मिला तो फिर यूपीएससी ने उन्हें सेवा से बाहर करने का फैसला लिया। यही नहीं, अब आगे वह किसी भी यूपीएससी परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। इस बारे में यूपीएससी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यदि तय समय पर जवाब नहीं आया तो फिर एक्शन लिया जाएगा और उनके किसी आवेदन पर बाद में विचार नहीं होगा। लोक सेवा आयोग ने कहा कि पूजा खेड़कर को सीएससी 2022 परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। पूजा ने गलत दस्तावेजों के जरिए नियम से परे जाकर एक अतिरिक्त मौका हासिल किया था। अब यूपीएससी ने भविष्य में पूजा खेड़कर के किसी भी परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी है।